6 अगस्त 2023 को इसरो एक पिक्चर पब्लिश करता है जो कि चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त 2023 को खींची थी जब वो लूनार ऑर्बिट इंसर्शन की ओर आगे बढ़ रहा था। और खींची गई तस्वीर बहुत ही ज्यादा सुंदर और परफेक्ट थी। इससे पता चलता है कि हमारे देश ने पिछले कुछ सालों में कितनी मेहनत करी होगी और आज हम इस मेहनत की बदौलत इस मुकाम तक पहुंच पाए। लेकिन शुरुआत के सालों में हमारे देश के लोगों के लिए स्पेस के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि हमारा देश नया नया आजाद हुआ था और हमारा देश काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम से भी गुजर रहा था। तो ऐसे समय में एक बहुत ही नए सेक्टर स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में सोचना या फिर उसमें पैसे लगाना काफी ज्यादा अनप्रॉफिटेबल लगता था। फिर भी कुछ ऐसे जुनूनी लोग थे जिन्होंने ठान ली थी कि भारत का नाम अंतरिक्ष में भी गूंजना चाहिए और उन्होंने अंतरिक्ष के सपने देखना शुरू कर दिए थे और पूरे लगन के साथ उस काम में लग गए थे। तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ उसी पुराने दौर में जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। और उससे पहले मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये पूरी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, वो कहानी जो हमारे भारत को स्पेस के क्षेत्र में विजय दिलाई। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1, 0 प्लस 5 सेकंड Lift off, normal. Here we have a majestic lift off of LVM 3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. Speed to tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM 3 M4 rocket का। सन 1957 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने स्पुटनिक सैटेलाइट की सक्सेस को देखा और उससे होने वाले फायदे को भापा। फिर उसके बाद श्री जवाहरलाल नेहरू ने स्पेस एक्सप्लोरेशन को भारत का भावी भविष्य बताया। शुरू में 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान को न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में डाला गया था। फिर 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति ने द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इंकोस्पार का निर्माण किया जिसके सभापति के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई को चुना जाता। 1962 में स्पेस प्रोग्राम स्टैब्लिश होते ही भारत ने काफी सारे रॉकेट्स का परीक्षण किया और ज्यादातर रॉकेट केरल के थिरुवनंतपुरम के लॉन्च सेंटर से लॉन्च करे जाते। समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ भारत ने अपने जुगाड़ू और देसी तकनीक की मदद से एक बेहतर फ्यूल का निर्माण किया और अपने रॉकेट्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जिसे रोशनी नाम दिया गया। भारत अब धीरे धीरे काफी ज्यादा अच्छा कर रहा था और उसके कच्चे माल की डिमांड भी बढ़ रही थी और भारत स्पेस सेक्टर में एक्सपांड कर रहा था। तो इसको मद्देनजर रख जून 1972 में भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना होती है और इसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और निरंतर आगे बढ़ता रहा। और आज उन सभी लोगों के मुंह बंद कर दिए जो कहा करते थे कि भारत सपेरों का देश है, ये क्या ही कर लेगा, और आज वही लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ चंद्रयान 1 से लेके चंद्रयान 3 तक की कहानी। 22 अक्टूबर 2008 को 12:52 पर चंद्रयान 1 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के साथ SDSC SHAR श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर से PSLV 11 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च होता। 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 seconds ये मिशन पूरे 2 साल का होता है और हर चंद्रयान का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो लॉन्च होता है। और चंद्रयान 1 का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो चांद पे वाटर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करे। और डिटेल में बात करें तो चंद्रयान 1 का मेन मिशन ये था कि वो लूनार सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर की ओर चक्कर लगाए, सरफेस की केमिकल, मिनरोलॉजिकल और फोटोजियोलॉजिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करे। चंद्रयान 1 ने अपने ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लिया था और फिर वो लूनार सरफेस से 200 किलोमीटर और ऊपर की ओर आ जाता। सैटेलाइट मून के अराउंड करीबन 3400 ऑर्बिट पूरा कर चुका होता है कि अचानक से 29 अगस्त 2009 को सैटेलाइट से कम्युनिकेशन टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये है कि चंद्रयान 1 ने अपने 95% प्लेन ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए थे। अब बात करते हैं चंद्रयान 1 के बजट की।
तो वो इतना था कि आजकल की मूवी जैसे आदि पुरुष के बजट में चंद्रयान 1 को 2 बार लॉन्च करा जा सकता है। चंद्रयान 1 का बजट था सिर्फ 386 करोड़ रुपए। रशिया जैसे डेवलप देश $200 मिलियन जितना बड़ा अमाउंट लगाकर लूना 25 मिशन को 11 अगस्त को लॉन्च करते हैं। $200 मिलियन मतलब 1663 करोड़ रुपए। इतने रुपए में तो भारत ने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दोनों मिशन कर ली होते, उसके बाद भी 300 करोड़ रुपए बचते। अभी हाल ही में रशिया की तरफ से एक बुरी खबर आई है कि रशिया का लूना 25 मिशन फेल हो गया है। जी हाँ, रशियन गवर्नमेंट ने अभी 21 अगस्त को कंफर्म करते हुए बताया है कि लूना 25 हैज क्रैश्ड इनटू द मून। मतलब सोचो यार, हमारे देश के साइंटिस्ट कितने काबिल है कि वो इतने बड़े बड़े मिशन कर रहे हैं और इतने कम बजट में, जहाँ बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस हाई बजट में भी वो काम नहीं कर पा रहे। तो हैट्स ऑफ टू हमारे साइंटिस्ट। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। करीब 12 साल बाद 12 जुलाई 2019 समय 2:43 भारत अपना दूसरा मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च करता है। 3, 2, 1, 0 समय आप देख रहे हैं, 2S200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उसके 640 को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। चंद्रयान 2 का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग एबिलिटी को दर्शाए और रोबोटिक रोवर को लूना सरफेस पे ऑपरेट करे। और अब बात करें बजट की, तो चंद्रयान 2 का भी बजट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, चंद्रयान 1 से काफी बड़ा था। करीबन 978 करोड़ रुपए लगाए थे चंद्रयान 2 के मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। चंद्रयान 2 के लिए GSLV MK3 M1 का यूज करा जाता है और इस मिशन को भी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च करा जाता है। काफी सारे अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स के बाद स्पेसक्राफ्ट 14 अगस्त को लूनार ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी LTT में एंटर करता है और अगले 6 दिन बाद 20 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट LOI परफॉर्म करता है। LOI मतलब लूनार ऑर्बिट इंसर्शन। और उसके बाद चंद्रयान 2 सक्सेसफुली इलेप्टिकल ऑर्बिट में एंटर कर जाता है। सितंबर 2 को चंद्रयान 2 मून की ऑर्बिट में करीबन 100 किलोमीटर ऑर्बिट कर ही रहा होता है, तभी विक्रम लैंडर उससे अलग हो जाता है और डी ऑर्बिटिंग स्टार्ट करता है, जिसकी मदद से वो अपनी प्लैंड ऑर्बिट 35 किलोमीटर/101 किलोमीटर तक पहुंच सके। और सितंबर 7 को विक्रम लैंडर को लैंड कराने का अटेम्प्ट करा जाता है, जो कि ऑर्बिट की ट्रेजेक्टरी से 35 किलोमीटर और सरफेस से 2 किलोमीटर ऊपर तय होती है, लेकिन अचानक से कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाता है, पूरा देश शॉक में चले जाता है। श्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 2 के मिशन डायरेक्टर रितु करीदा मैम और इसरो चेयरमैन के शिवान सर को आश्वासन देते हैं। चंद्रयान 1 हो या चंद्रयान 2, दोनों मिशन ही कम्युनिकेशन के चलते ही फेल हुए थे। पूरा देश सदमे में चला जाता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 2 में हुई गलतियों को एनालाइज करते हैं, दिन रात स्टडी करते हैं और वो ठान लेते हैं कि जल्द से जल्द इन गलतियों पे काम करेंगे और चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे। लेकिन 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैल जाती है। COVID-19, the disease that defined our lives in 2020. 2020 is now the deadliest year in US history. Deadly coronavirus officially hitting the US. सब जगह लॉकडाउन लग जाता है और सारे काम सडनली बंद हो जाते हैं। चारों तरफ कोरोना ही कोरोना, लोग एक दूसरे को छूने से डरते हैं। जिस तरह से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हर तरफ दुनिया में डेड बॉडीज डंप होती है। बात सीधे जीने मरने पे आ गई थी। इस दौरान कुछ लोगों ने अपना रोजगार खोया तो कुछ लोगों ने अपनों को खोया। 2019 में चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद 2 साल कोरोना का माहौल रहा और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा, लोग अपने अपने काम पे वापस लौटने लगे। पर किसी ने नहीं सोचा था कि इसरो इतनी जल्दी कमबैक करेगा। करीब 4 साल बाद भारत के जुनूनी खून चंद्रयान 3 को लेकर वापस खड़े हो जाते और आने वाले कल में भारत को विशालकाय रूप का आगाज कराते। 3, 2, 1, 0 Here we have a majestic liftoff of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3. और दहाड़ देते हैं कि भारत सपेरों का नहीं सपनों का देश है और यहाँ सपने पूरे भी होते हैं।
6 जुलाई 2023 को इसरो कंफर्म करता है कि 14 जुलाई दोपहर 2:35 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करा जाएगा। 14 जुलाई को SDSC श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर से LVM-3 M4 लॉन्च व्हीकल की मदद से चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च करा जाता है और लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ नॉर्मल बताई जाती है। 6 अगस्त को मून की तस्वीरें चंद्रयान 3 के द्वारा खींची जाती है और पब्लिश कराई जाती है और इसी के साथ बड़े बड़े देशों के मुंह बंद कर दिए जाते हैं। और आज 23 अगस्त को जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद हमारा चंद्रयान 3 चांद पे सक्सेसफुली लैंड कर चुका होगा और आज के दिन को त्योहार की तरह मनाया जा रहा होगा। तो लास्ट में मैं हाथ जोड़ के यही बोलना चाहता हूँ कि मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ हमारे देश के साइंटिस्ट और गवर्नमेंट को जिन्होंने इस चंद्रयान 3 के मिशन को सक्सेसफुल बनाया और उन सभी लोगों को जो इस मिशन में शामिल थे और जिनके नाम हम तक आए ही नहीं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे सभी देशवासियों की तरफ से इसरो को, हमारे साइंटिस्ट को, हमारी गवर्नमेंट को और उन सभी को जो इस मिशन में शामिल थे। जय हिंद, जय भारत।